हेलो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर जो है अगले कुछ क्वेश्चंस करते हैं। लास्ट लेक्चर में भी हमने जो सहायक लेखाकार का 2016 में जो पहला पेपर था, ठीक है, वो हमने किया था। आज हम इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम करते हैं। तो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 60। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, हालांकि इसका आंसर जो है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 61 भी जो है वो आपके सारे जो है देखिए रीजनिंग के हैं। मैं रीजनिंग के आपको यहाँ पे बताता हूँ, बाद में कभी अरुण सर जो है वो आपको यहाँ पे करवाएंगे। इसका आंसर बी है, ठीक है। 62 का भी आपका बी है, इसका जो है वो सी आंसर है। मैं सीधा कंप्यूटर उस पे चलता हूं। 64 का भी आपका बी है, ओके। सीधा हम चलते हैं देखिए अपने क्वेश्चन नंबर 65 पे। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के ओनर हैं, विंडोज के आपके वो हो गए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट नहीं है, ओके। किलोबाइट होता है, सब होता है, हर्ट्ज नहीं होता। हर्ट्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी का होता है, मात्रक। किसका मात्रक? फ्रीक्वेंसी, आवर्ती का मात्रक, ओके। क्वेश्चन नंबर 67 कंप्यूटर की बेसिक भाषा है, बेसिक भी होती है, C++ भी होती है, जावा भी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज भी होता है, उबंटू भी होता है, डी। गूगल ऐप जो है वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से विषम चुनिए, क्रिकेट, हॉकी, शटल कॉक, टेनिस। देखिए सब में बॉल होती है, क्रिकेट में बॉल होती है, हॉकी में बॉल होती है, टेनिस में बॉल होती है, शटल कॉक वहां पर आपकी क्या होती है? कॉक होती है, ओके। क्वेश्चन नंबर जो है आपका, सॉरी ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 70, ओके, दमा, फेफड़े, ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आंखों में ये बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 71, देखिए ये आपके दर्शन शास्त्र हैं, ठीक है। इनके जो हैं वो, इनके कौन से व्यक्ति हैं? जैसे न्याय शास्त्र की बात करें तो न्याय शास्त्र आपका गौतम ऋषि है। बी का आना चाहिए एक, बी एक कहां पे आते हो? तो इस हिसाब से 2 और 3 तो हमारे चले गए, ठीक है। अब हम सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, 3, 1, 2, 4 जो है वो सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 72, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का देखो प्रथम युद्ध कब होता है? 1526 में होता है, ठीक है, बाबर के और इब्राहिम लोदी के बीच में। प्लासी का युद्ध सन 1757 में होता है, तो उस हिसाब से आप उसको लगा लो। 72 का जो है, 72 का ऑप्शन नंबर आपका क्या है? 72 का ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर ए, ओके। क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं साहब, ओके। ये आयस्क हैं और ये आपका जो है ये है, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, 3, 4, 1, 5 जो है इसका सही उत्तर है, ओके। क्वेश्चन नंबर आपका है, जगह मतलब कंपनियां हैं और वो है, बेल आपका कहाँ पे है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ए का 2, ठीक है। तो इसका आंसर तो यही आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 का जो है, 74 का बी है, ओके। फिर आपके कुछ जो रीजनिंग के क्वेश्चन है इनको अभी हम छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको बता दूं, वैसे 75 का जो है वो 75 का आपका डी आंसर है, 76 का आपका ए आंसर है, 77 का आपका जो है वो सी आंसर है, ओके। क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 हमारा क्या कहता है? मिलाओ साहब, इंडियन मेडिकल जो है ये कहाँ पे? ये मुहान में है, बिल्कुल। HMT कहाँ पे है? रानीबाग, हल्द्वानी में है। डील कहाँ पे है? देहरादून में है। ये बिल्कुल सही, 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये इसका सही उत्तर है। उसके बाद आपका कौन सा जोड़ा सही है? इसका सही है मणिपुर इम्फाल, ऑप्शन नंबर सी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में आया था, 22 जनवरी के आसपास ही आया था, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इनके ब्रांड एम्बेसडर वगैरह कौन है ये आप थोड़ा सा इनके बारे में पता कर सकते हो। उत्तराखंड के कौन है ये भी आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 81, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन थे? दयानंद सरस्वती। किसके पास सर्वाधिक यूरेनियम भंडार है? ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है। और मैं आपको बता दूं, यूरेनियम जो है वो आपका परमाणु शक्ति में आपका क्या होता है? यूज होता है। 92 यूरेनियम 235 आपने पढ़ा हुआ होगा कभी केमिस्ट्री वगैरह में ना, तो ये आप देख लेना। उसके बाद राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन लगता है 356 के आधार पर, ऑप्शन नंबर बी। तीन होते हैं, 352, 356 और 60, ऐसे याद करना, 52, 56 और 60, ठीक है। 52, 352, 356, 360, ओके। नेक्स्ट, यूनेस्को आपका कहाँ पे? यूनेस्को का मुख्य कार्यालय आपका कहाँ पे है? यूनेस्को का मुख्य कार्यालय आपका पेरिस में है। कहाँ पे है? पेरिस में। सही विकल्प चुनना है, बंगाल विभाजन 1905 में, ये बिल्कुल सही है। बंगाल विभाजन कब है? बंगाल विभाजन 1905, ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर अगला क्वेश्चन, हीराकुंड किस नदी पर बना है? हीराकुंड आपका महानदी पर बना हुआ है। कहाँ पे बना हुआ है? महानदी पर आपका बना हुआ है। व्हाट इज सुनामी? जब जो समुद्र है, समुद्र की जो नीचे आपका वहां पर तलहटी में अगर भूकंप आता है तो लहरें आपकी जो बहुत ऊपर नीचे आपकी हो जाती हैं, तो उसका सही उत्तर क्या है? समुद्री लहरों का भूकंप के द्वारा आना, ऑप्शन नंबर सी। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? कर्क रेखा गुजरात से गुजरती है, ओके, जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीढ़ीदार खेती, सीढ़ीदार खेती कहाँ पे होती है? उत्तराखंड में आपका सीढ़ीदार खेती जो है उत्तराखंड में आपकी होती है। कौन से दो दूरस्थ पूर्वी पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं? इसका है सिलचर और पोरबंदर। क्या है? सिलचर और पोरबंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति जो है वो मछलियों से है। हरित क्रांति किससे है? अनाज से है। दुग्ध क्रांति का है? सफेद से है।
ठीक है, बहुत सारे आपके जो है क्वेश्चन यहां पे बन के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, इसका है डी, क्या है? चंद्रमा। क्या है इसका सही उत्तर? क्या है? चंद्रमा जो है वो आपका नेचुरल सैटेलाइट है। जो पीतल है, पीतल किससे बनता है? पीतल तांबे और जस्ते से बनता है। किससे बनता है? कॉपर और जिंक से बनता है। क्वेश्चन नंबर 94, नीति आयोग, इसका है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ये जब प्रधानमंत्री मोदी जी आपके आए थे तो उनने योजना आयोग को आपका भंग करके नीति आयोग आपका ले आए थे। सेम, लगभग काम लगभग सेम ही है, थोड़ा बहुत आपका डिफरेंस है। विश्व योग दिवस 21 जून को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ये उस समय का क्वेश्चन है, इसको हम छोड़ देते हैं। वैसे हालांकि इसका आंसर सानिया मिर्जा है, ऑप्शन नंबर बी, बट अब कोई इसको याद करने की जरूरत नहीं है। 2016, ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, इसका हालांकि ऑप्शन नंबर ए है। व्हाट इज एएलयू? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, कंप्यूटर का आपका पार्ट है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ऑप्शन नंबर डी। ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? 21%, सबसे ज्यादा है 78% नाइट्रोजन का, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए। प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका किसने लिखी है? इंडिका लिखी है आपकी मेगास्थनीज ने। किसने लिखी है? इंडिका लिखी है मेगास्थनीज ने। तो स्टूडेंट, हमने जो है यहाँ पे अपना जो सहायक लेखाकार 2016 का पेपर है, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आपको हमारे चैनल पे कोई फीडबैक देना हो तो आप जरूर अपना फीडबैक दें, हम उसको यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में भी इतना ही। हम मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।